जाइए, अवश्य जाइए। आज मेरे घर में मेरी फ्रेंड आने वाली है अपनी बेटी के साथ, तो उनकी फरमाइश आई थी कि त्याग जी के हाथों के बर्गर नूडल, नूडल बर्गर और चौमिन। पता क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि बहन है मेरी, वो नहीं इतना ऑब्वियस बनाता बात है, ऑब्वियस बात है, बनाने तो थे ही वैसे भी और ऐसे भी, ठीक है है। ना। तो बस अब ये जा रहे हैं, हमारे पास सिर्फ गोभी और ऑप्शन नहीं लेटेस है नहीं उन्हें है। नो करने का। हाँ, और गोभी और लेटेस भी नहीं है, तो ये वो लेने के लिए जा रहे हैं। और मैं बताऊँ क्या कह रही थी, एक बार जरा मेल बॉक्स भी चेक ही कराना, यू नेवर नो, अगर खुशखबरी पहुंच गई हो। कर लेते हैं। वैसे तो बहुत जल्दी एक्सपेक्ट करना, बट कोई नहीं, अगर आ गई हो तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो एक बार कर वो भी लेता चेक कर हूँ। लो और फिर वापस आओ, मेरी वेदा रानी अभी सो रही है। ले जाता हूँ फिर तो। ये हाँ ले जाओ, चलो। कौन कौन सी चाबी किसकी है? ये टाइम सर आपको कितना टाइम हो गया यहाँ रहते हुए? गार्बेज तो हो गया कारोज। का नहीं हो पाया टाइम है। अरे क्या है? वो ताला खराब हो गया था गार्बेज का, उन लोगों ने नई चाबियां दी है तो वो भी इसी में डाली तो हुई चार है। चाबी है? है? इतना गार्बेज करना है हमने? अरे चार चाबी है ना, चार में से दो खराब है, दो सही है। अच्छा, ओहो, तो ये वाली सही है ना? आई गेस देखनी पड़ेगी, ट्रायल एंड टेस्ट, और जो नहीं है सही वाली वो निकाल भी देना, पिछली बार भूल गई थी निकालना। पुरानी वाली निकालनी है? हाँ ठीक है ठीक है, ओके। चलो। डाकिया डाक लाया? ले वो कुछ भी नहीं आया उसमें तो, ओहो जो भी अच्छा, कुछ था वो एडवर्टीजमेंट थे उन्होंने कही। अच्छा तो अपने हाथ में क्या लाए तुम? पता कितनी सारी वो लेके आया कैबेज, क्यों 3 किलो, क्यों? तो सबसे छोटा उठाया वहां से, वो 3 किलो गई था। वाह अच्छा, 2.87। चलो आ जाओ, पर आ जाओ, रोनी का फोन आ रहा है, उसने तुमसे कुछ पूछना भी है। सार्थक त्यागी से पूछना? सार्थक त्यागी से पूछना, कुछ गाड़ी के बारे में मेरे से पूछ रहा था। मैं क्या, मुझसे इतना ना पूछ, मैं अमेजोन से ऑर्डर कर सकती। चलो ऊपर आ जाओ पहले। ये बात है। चंदू से हाय, दिस इज माई व्लॉग, आई एम फ्री स्टाइल व्लॉगर नाउ। चंदू से हाय। हाँ हाय 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 हाय, वही मैं ऐसी डाल दूंगी। नहीं, हाय हाय रोहिणी, एक्टिंग के पैसे भी काटूंगी और साथ में ऐसी डालूंगी मैं, ओरिजिनल सारा। $2 काट लिए हुए थे। और तेरे कितने काटे? मेरे काट तो कम से कम ढाई। ये हो गई है चौमिन की तैयारी शुरू। ये यहाँ प्रेप ऑलमोस्ट रेडी है बर्गर की। एक तो यहाँ पे बनने भी चला गया क्योंकि ये खा के निकलने वाले हैं ये लोग, ये हमें छोड़ के जा रहे हैं आधे रास्ते में। और ये यहाँ पे सेवियाँ भी बनी है, मतलब इतनी डिलीशियस लग रही है तो मैं क्या ही बताऊँ। दूध कट रहा था कोई 2-3 घंटे से, फिर अब दो इसमें नहीं, सुबह हाँ कट रहा था 9 बजे से, अब बज रहे हैं 2:30। हाँ वही कह रही हूँ। और अब इसमें सेवियाँ डाली है मज़ेदार, और ये भी ऑलमोस्ट डन है, अपने लिए बन बन रहा है यहाँ पे भी, बन मस्का। चलो खा लो, फिर मैं लास्ट में दिखाती हूँ फाइनल प्रोडक्ट। मेरा बर्गर रेडी है। अब ये भी बताया था तुमने, बन की टिक्की, बर्गर की टिक्की की सुनाई आज? जो कल साबुदाने की बनाई थी ना, वही वाली मैंने इसमें लगा दी, वही इसकी टिक्की बन गई पर आज। टेस्टी लगेगी ये। वो तो टिक्की भी थी और कटलेट भी था, दोनों एक थे। खा के देखो, फर्स्ट बाइट दिखाओ। अब गर्म होगा? गर्म होगा फॉर श्योर, क्योंकि ये वैसे है ना, पर खा लूंगा, भूख लग रही है। बढ़िया बना कॉम्बो। चलो खा लो, एंजॉय करो। तुझे भी चाहिए टिक्की? खाएगी बेटी तू भी टिक्की? इसको भी पानी लगा के दे दे। हमारे नूडल्स भी रेडी है, दलिया भी रेडी है, और ये मैंने बनाया बहुत ही खूबसूरत बर्गर, मैंने ऑफ कोर्स रीत के लिए, नन्नू के लिए, और विक्की वहाँ बैठा हुआ है, तो बस अभी ये दे देती हूँ, उसके बाद हम यहाँ से वाइंड अप करते हैं और बातें करेंगे। कहाँ भाग रही है, कहाँ भाग रही है? अरे वो अभी आए थे ना तो इसके लिए गिफ्ट्स दे के गया, तो मैं देखना चाह रही थी क्या है, एक्साइटमेंट तो होती है ना, बेशक ऐसे करो नहीं जी नहीं जी नहीं जी, ले भी लिए हैं नहीं नहीं करते हुए, तो वापिस भेज देती हूँ उनके साथ के, नहीं तुम रखो बच्चों के गिफ्ट।
ऑफकोर्स ये बात है। अच्छा नंदू समझा रही थी क्या है ये तो ये क्या ये इसमें आप ये लूप्स डालोगे और इसमें आप कलर्स भी ऐड कर सकते हो और साइज के अकॉर्डिंगली जाएंगे और इसमें ऊपर से बॉल्स जैसी भी है। अच्छा वो फिर को कह रहे थे कि ताकि आप ऐसे ना बोलो। मैंने कहा ना कि शायद अगर हम इंडिया गए तो मत लेके आना कुछ भी, नहीं तो फिर यहाँ पे पड़ा रहेगा बच्चा बड़ा हो जाएगा। तो बोलते हैं बड़े बच्चे के हिसाब से लेके आए हो ताकि ये ना बोलो कि इंडिया जा रहे हैं। बस अभी वो लोग इन्होंने गिफ्ट दे दे के हमारा घर भर देना है। सही बात है, ये भी उन्होंने ही दे रखा है। और भी पता नहीं क्या था। आधे तो हमने इनके गिफ्ट खोले भी नहीं। हाँ आधे खोले नहीं, आधे पैक्ड वैसे ही। और भी बहुत सारे इन्होंने गिफ्ट दिए, जितनी बार आएगी उतनी बार कुछ ना कुछ लेके आएंगे। बोलते तो क्या हो गया, हमारी भी तो कुछ लगती है ना, तुम्हारी लगती है। और बस अभी वो लोग गए और अभी के लिए तो फिलहाल तो मैं आज के दिन तो बहुत काम हो गया, सारे बर्तन वर्तन सारे सब कुछ साफ सफाई वगैरह करके अभी जस्ट फ्री हुई थी मैं। और मैंने अपने बर्गर नूडल बना दिए थे उनके लिए। मैंने बनाए थे यार, मैंने दिखाया है सारा कुछ काट के मैं रख के गया था। ठीक है मैंने बनाया अपने इन्हीं हाथों से, दो छोटे हाथों से। और मैं कुछ कह रही थी यार, मैं भूल गई, मेरे को याद आया था पर दिमाग से निकल गया। आज मैंने ट्रक पे भी गया था चलाने। ट्रक पे तुम्हें कैसी फीलिंग आई कि ट्रक में घूमने गए थे। अरे मेरे को ना एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात याद आ रही थी जो मेरे दिमाग से निकल चुकी। कोको ने भी आज बड़ा वो खेला इनके साथ, वेदा भी खेलने के पूरे मूड में, पीछे से बैकग्राउंड से सुनाई दे रहा होगा। खैर अब तो दिमाग से निकल गई बात, अब नहीं आने वाली, अब नहीं आएगी, अब नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। ये था कि अच्छा हाँ मिठाइयाँ भी दी है। हाँ सोचो मिठाइयाँ कहाँ है, मिठाइयाँ कहाँ है, दिखा जरा दिखा यार। मिठाइयों से तो मुझे अच्छा कि मैं वहीं से लेके आई जहाँ से आपको पसंद है। अच्छा ब्लॉग क्योंकि उन्होंने भी सारे देखने हैं ना। हाँ हाँ हाँ, तो बोले मैं वहीं से लेके आई जहाँ से पसंद है, बट ये समझ नहीं आ रहा था कौन से वाला ज्यादा पसंद है। इतनी सारी आई नो, मैंने तो दो लोगों को इतनी क्यों बोलते, मैं सभी ले आई, मेरी फिर समझ ही नहीं आई कौन सी। वाह भाई मिक्स डब्बा हुआ तो मजा ही आ जाएगा मेरे को तो। मैं अपनी बहन पे यकीन हो जाएगा। हाँ हाँ, और लग रहा है मेरे को मिक्स डब्बा ये क्या बात है। अगर बात $100 की है तो अभी ना खा जाऊंगा मैं, तेरे सामने बैठे बैठे वीडियो वीडियो में ही है। मैं सारे रोनी तेरे मेरे बारे में नहीं पता तेरे को, तुझे मेरे बारे में नहीं पता क्या? $100 नगद दूंगी बस बोलना होता है ना। हाँ मेरे को तेरे बारे में सब कुछ पता है, तू कितनी झूठी है। अच्छा चल, हाँ चल मैं कुछ भी बोलता हूँ, मैं कुछ भी बोलता हूँ, बट तू जब भी शर्त लगाती है मेरे को पैसे नहीं देती। अरे यार झूठ बोलने की भी कोई लिमिट होती है, तुमने पार कर दी है वो। कोको मैं तुझे बाहर छोड़ के आता हूँ, चल चल। इसको तो आज वेट फूड भी दे दिया फिर भी समझ नहीं आ रही है। चलो जी तो गाइस ये देखिए विनीपेग नु चली आज फिर। चलो चलो रेडी रहो बस, ट्रक मेरा गर्म होने लगा, 15-20 मिनट लगन गए तो अपन। ओके जी ओके, आज तो वेदर भी बहुत अच्छा है, ताही फिर मैं ट्रक ते आ गया। मैं आज ट्रक ही चला लिए, सार्थक भाई का न्यू ट्रक। हां बढ़िया ही चलाया करेंगे। गुड, और कुछ कहना है? बस डन ट्रक का वाला के लिए कुछ कहना है? सही ओके चलो जी चल देना। ये देखो कोको ने क्या नई स्किल सीखी है। कोको डाल हाथ डाल, वेरी गुड कोको, मिशन सक्सेसफुल रहा आपका है। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के दिन की शुरुआत होएगी हमारी थोड़ी चंपी के साथ, जो कि सरसों का तेल और मेरा सर, इनकी ऑलरेडी हो चुकी है। अब है मेरी बारी और हमारी वेदा रानी अपनी एक्सरसाइज कर रही है यहाँ पे। आइया थोड़ा आराम से और प्यार से। तो मैं कोई मार थोड़ी रहा हूँ, चंपी हो रही है। तो फिलहाल अभी हम अपना हेड मसाज एंड ऑल कर लेते हैं और आप लोगों को मिलेंगे थोड़ी देर में। आज भी हमारे कुछ और फ्रेंड्स आने वाले हैं, अभी हमने ये डिसाइड नहीं किया कि हम घर पे मिल रहे हैं उन्हें या फिर हम बाहर जाके मिलेंगे। मतलब आएंगे तो वो घर ही, हम शायद डिनर के लिए बाहर जाएंगे, नॉट श्योर, देखते हैं। या तो अगर हमें ये पता लग जाए हमने आज क्या बनाना है तो घर पे ही होगा सब। वाह हेलो, तो ठीक है, कहाँ गए थे दोनों बिना बताए वो भी? प्रभु की माया कभी धूप कभी छाया। अच्छा मम्मी और बेटी थी वॉक पे। वाह भी वाह, हर मौसम अच्छा यार। तो मजे किए तुमने? या मैजिक मैजिक डैम की पूरी सोसाइटी को दिखाया। क्या बात है, मां बेटी आई है यहां। क्या बात है भाई, क्या बात है। हमने तो ऑफर दिया था तुम्हें भी, मजे चल रहे हैं।
अच्छा तुमने क्या किया फिर यहाँ पे? मैंने देखा अपना फोन। वाह, और बस बस हाँ। और हमारी याद में तड़पते रहे। ठीक थोड़ा सोफे पे लेट गया, काउच। इतना दुख हुआ तुम्हें? दुख हुआ सोफे पे लेटना पड़ा। हाँ, एकदम बहुत ज्यादा। चलो ठीक है, हम मेरे ख्याल से वो लोग भी आने वाले, तैयार हो जाओ। ओके, बाहर ही चलेंगे मेरे ख्याल से डिनर के लिए। 5:30 तो हो गए। ठीक, 6 बजे तक वो पहुंचेंगे, फिर बाहर से खाते हैं जाते। ठीक है चलो। तो हम काफ़ी देर से बातचीत में बिजी थे, जैसे हमने कहा था कि हमने डिनर के लिए बाहर जाना है, तो अब हम बस डिनर के लिए बाहर आए, पर हमें लग रहा है कि शायद यहाँ पे लाइनअप ना हो, तो बस अभी अंदर पूछने गए हैं कि लाइनअप है कि नहीं। अगर नहीं है तो हम जाएंगे, अगर लाइनअप हुआ तो फिर हम कोई और जगह देखेंगे। आपको पता ही है कि सेकेंड ऑप्शन क्या ही था हमारे पास आज बाहर निकलने के लिए, तो बस वहीं पर ही अभी हम देखते हैं अब कैसा होएगा। वापिस आ गए तो गेट से, तो शायद हो भी सकता है कि वेटिंग हो। हाँ मुझे लग रहा है वेटिंग होगी, देखते क्या कहते हैं अभी। जा सकते हैं? ठीक है, वेटिंग नहीं तो वेटिंग नहीं, फिर चलते हैं। नीचे झुको, झुको झुको। अच्छा। तो बस अभी अंदर चलते हैं हम। अभी एपेटाइजर्स आए हैं, अब मेन कोर्स का वेट करते हैं। थोड़ी सी लस्सी और जलेबी भी आ गई, इसे कहते हैं गेम ओवर। वाह मज़ा आ गया। खा पी के हम फ्री हो गए थे, तो हमने सोचा क्यों ना अपना खाना पचाया जाए, तो अभी हम वॉक के लिए आए, और हम आए पोर्ट क्रेडिट के पास। राइट, हाँ पोर्ट क्रेडिट के पास आए, तो ये इस वाली डायरेक्शन में तो हम भी पहली बार आए। ये मैं आपको पीछे से दिखाती हूँ कितना अच्छा है, सारा पानी ही पानी है, मतलब मज़ा आ गया। इवनिंग वॉक इससे अच्छी क्या हो सकती थी, और अब जैसे गर्मी का आगाज़ भी हो रहा है तो और भी बढ़िया लग रहा है यहाँ पे। अभी आपको दिखाती हूँ अपने बैकग्राउंड में। वाह मतलब जो ये तो इन लोगों के घर है उनके लिए तो क्या खूबसूरत नज़ारा है, रोज़ सुबह उठ के कितना सुंदर लग रहा है, और एकदम साफ पानी जैसा है यहाँ पे। चलो हम भी अपनी वॉक पूरी करते हैं, उसके बाद हमने भी घर जाना है अब। ये देखो अगर गलती से नीचे गिर गए, जो कि गिरना नहीं चाहिए, वापसी बड़ी मुश्किल होएगी, बट अगर गिर गए तो सीढ़ियाँ लगा रखी यहाँ पे भी है और दो उधर को भी, आगे वाली साइड को, वहाँ पे गिरना मत, बट अगर गिर गए इनकेस तैर के यहाँ तक आ जाना। ये भी सोने का टाइम हो गया, ये भी लाइन में चले सब सोने के लिए बत के। मेरे को लगता है कोई आसमान में उड़ भी रही है। ये तो ऐसे लग रहा है बचपन में वीडियो गेम खेलते थे हम, वो आसमान में उड़ती थी और उनको बंदूक से मारो। अभी हम फिलहाल के लिए उधर साइड जा रहे हैं, वहां से दिखाती हूँ फिर आपको। ये शेड सा क्यूट लग रहा है उधर। ये जो आपको थोड़ी सी लाइटें चमकती है दिख रही है पेड़ के पीछे, वो उधर साइड है, डाउनटाउन टोरंटो आई गेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इधर साइड सारा फॉग हो रहा है, और इधर साइड नहीं समझ आ रहा है कौन सी सिटी है इधर को, इधर भी है ये कोई सिटी। हाँ आज फिर से उपहारी उठा रहा है इसको, ये तो इतना क्यूट है ना, एनक भी आई है इस बार। था ये ड्रेस, टोपी और चश्मे, बोलते कि समर्स आ रही है, इसको येलो कॉम्बिनेशन जरूर पहनाना होगा, पहना देंगे हम। हमारे पास मॉडल है आज भी कपड़े उन्होंने दिए, और इसके साथ जूते भी दिए इन्होंने क्यूट से। हाँ मेरे को बड़े बड़े लगे, कहाँ है वो? अच्छा ये वाला सेट भी इन्होंने दिया था बल्कि। हाँ, वही तो बोल रहा हूँ, आज भी कपड़े इसमें। इसी खूबसूरत नज़ारे के साथ मैं आज का ये वीडियो भी यही एंड करूँगी, क्योंकि अब बस इसके बाद हम घर जाने वाले हैं, और घर पे कुछ खास नहीं होगा, पर मैं ज़रूर दिखाऊंगी कि मुझे गिफ्ट्स क्या मिले हैं आज दोबारा से अपनी विदा के लिए, वो मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी। बट अदरवाइज़ आज का ये वीडियो हम यही एंड करते हैं, मिलेंगे आप सभी को अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू सून, बाय।